तो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ओप्पो A53 की कुछ ऐसे न्यू फीचर जिनको करने के बाद आप अपने फ़ोन को बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस, आप अगर जानना चाहते हैं वो कैसे करें, तो गाइस आप लोग आज सिंपल सी बात है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट कर आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, यूज़फुल हुई आपके लिए या नहीं हुई। अगर हुई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी इसको यूज कर सके। तो गाइस चलो चलते हैं, बिना देर किए आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ सिंपली अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है सीधे अपने फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जैसे ही जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन होते ही आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही ये इस प्रकार के चार ऑप्शन खुल के आएंगे, नंबर डॉट नंबर और डॉट और डू नॉट शो। तो इससे क्या होता है, आप नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे तो आपके जो आइकन है उस पर नंबर लिख के आएंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन उस ऐप पर नंबर लिख के आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 3, कुछ इस प्रकार से आपके ऐप पर आएगा। और डॉट लिखा हुआ है दूसरे नंबर वाला, जो कोई आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपके उस ऐप पर, जिस ऐप पर आपका नोटिफिकेशन आएगा उस ऐप पर इस प्रकार का डॉट बन के आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो नंबर और डॉट है इस पर दोनों बन के आएंगे, डॉट भी बन के आएगा और नंबर भी बन के आएंगे। आपका जब कोई नोटिफिकेशन आएगा किसी ऐप पर तो उस पर नंबर लिख के आएंगे सबसे पहले, फिर कुछ टाइम बाद उस पर डॉट बन के आने लगेगा, नंबर गायब हो जाएगा। और डू नॉट शो जो लिख के आ रहा हुआ है, किसी भी ऐप पर आपके कोई भी नोटिफिकेशन आए, कैसा भी आए, तो आपके कोई शो नहीं करेगा, जैसा है ऐप वैसा ही रहेगा। सिंपली मैंने सेट कर रखा है नंबर और डॉट पर, आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टेटस बार पर। स्टेटस बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगा। तो ये जो होते हैं, जो आप, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, बताते हैं। ये रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये जो सारे ऑप्शन जो मेरे हैं वो ऑन है, तो इनसे होता क्या है तो मैं बता देता हूँ। तो ये हम जैसे ही सारे ऑफ कर देंगे तो जो ऊपर जो नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जैसे ये मेरी ब्लूटूथ खुली हुई है, जैसे कि ये होते हैं, ये मेरी ब्लूटूथ खुली है, तो यहाँ पर देखना ऊपर बैटरी के बगल में नेटवर्क के पास ब्लूटूथ बन के आ रही है। इससे ये होता है, अगर मैं इसको देखो ब्लूटूथ इसको मैं बंद कर देता हूँ तो ये मेरी ब्लूटूथ तो खुली है लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रही, इससे ये होता है। इनको ऑफ कर दो तो कुछ कोई भी नोटिफिकेशन बार खोल देना, यहाँ पर शो नहीं करेगा, और ये अगर ऑन होंगे तो यहाँ पर शो करेगा, इससे ये होता है। चलिए अब पहले वाले ऑप्शन पर आते हैं, नोटिफिकेशन आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आएगा शो आइकन, शो नंबर, डू नॉट शो, ठीक है। इस पर इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, आइकन भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, नंबर कर लो या इस पर कर लो। इससे क्या होता है, कोई भी आपके पास कोई मैसेज आता है किसी भी ऐप पर या नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो ऊपर जो होता है जिस पर शो करता है इस प्रकार से, ठीक है, सीधा ऐप शो करता है कि इस ऐप पर आपका ये मैसेज आया है। अगर आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो जिस नोटिफिकेशन आएगा किसी ऐप का तो वो उस ऐप का आइकन शो नहीं करेगा, नंबर शो करेंगे। जैसे कि मेरे देख सकते हैं टाइम के बगल में एक शो कर रहा है, मेरे में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है तो एक शो कर रहा है। और डू नॉट शो में कर देंगे तो कोई भी शो नहीं करेगा, ना नंबर शो करेंगे ना कोई ऐप शो करेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आए। इसीलिए मैं तो पहले नंबर पर सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ शो आइकन पर। चलिए इसको बैक कर देते हैं। अब आते हैं बैटरी स्टाइल में, इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर अपनी बैटरी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, ये एस किसी भी प्रकार की बैटरी आप रख सकते हैं या कोई बैटरी भी नहीं रख सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये मेरे के में ये पहली वाली बैटरी स्टाइल लगी हुई है, आप चाहे कोई सी भी लगा सकते हैं। चलिए इससे बैक आता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं बैटरी परसेंटेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर बैटरी परसेंटेज किसी प्रकार की चुन सकते हैं, ये इनसाइड बैटरी आइकन आता है या आउटसाइड बैटरी इनका ही ना, डू नॉट शो बैटरी, डू नॉट शो में बैटरी शो नहीं करेगी कितनी परसेंट है, और जो दो में जो है वो बैटरी शो करेगी कितनी परसेंट है, ठीक है ना, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। मोर सेटिंग में, मोर सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे तो वहाँ पर सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस प्रकार से ये वो मैसेज है
जो आपके पास आते हैं और डिलीट हो जाते हैं या कोई कर देता है तो आपको पता नहीं चलता क्या क्या मैसेज आए हुए हैं क्या नहीं आए हुए, तो आप यहाँ से वो मैसेज देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन पे कौन से मैसेज आए थे या कौन से नहीं आए थे। ठीक है ना, चलिए बैक करते हैं। अब आपको बताते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है, आप यहाँ पे लिखा हुआ होगा सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपको सिंपली ऊपर जो ऑप्शन दिखा सिस्टम नेविगेशन, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, मैं पढ़ नहीं पाता, कम पढ़ पाता हूँ। चलिए इसी पे क्लिक करते हैं, पहली वाले पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बटन बटन वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा ये बटन, यहाँ पर बटन आ जाएंगे नीचे, तो इससे बैक करने की जी आ गए, देखो नीचे इससे बैक कर सकते हैं। और ये गेस्चर्स जो भी हो, जो बगल वाले पे क्लिक करेंगे तो साइड से बैक करने का ऑप्शन आता है, जैसे आप देख सकते हैं साइड से ऐसे बैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से बैक आ जाता है। यहाँ से बैक आते ही आपको एसेसिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, दिख रहा होगा ना। आप इसको ऑन कर देंगे तो सिंपली किसी का भी फ़ोन आएगा, पावर बटन को दबा देना, कॉल कट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं ऑफ रखता हूँ, आप चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं। और एसेबिलिटी मेन्यू में जाएंगे, इसको यहाँ से ऑन कर लें, अलाउ कर दें। इससे क्या होता है, ये जो है बन के आने लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, मैं ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ, मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, अब इस पर एसेबिलिटी बटन पर करना, ये ऐसी बटन आ जाता है, इसको आप शो करना चाहते हैं या नहीं करना, ऐसे कर दो ये ऑफ हो जाएगा, इस तरफ को ये शो करने लगेगा, छोटा बड़ा जैसा करना हो आपको, मैं तो बंद ही रखता हूँ। अब आपको सिंपली एसेबिलिटी पे आ जाना है, नहीं यहाँ पे नहीं, एसेबिलिटी वॉल पे आ जाना है। और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर एसेबिलिटी वॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन पे जी एक बॉल बन के आने लगे। इससे होता है क्या, ऐसे बैक होता है फ़ोन, ऐसे बटन दाब देंगे तो इससे बैक हो जाएगा, समझ रहे, ये इसलिए होता है। ये देखो कैमरा खुल गया है, तो हम इसको ऑन ऑफ रखते हैं, आप चाहें तो इसे ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको ऑफ ही रखता हूँ। तो आपको इस हम नीचे वाले ऑप्शन चले जाएंगे और बताता हूँ। पहले तो मैं बैग जा रहा हूँ, बैग जाते ही आपको जिस वाले पे करना है क्लिक, इस वाले पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा, तो सिंपली इसको ऊपर वाले पहले क्लिक करना है। ऊपर वाले पे क्लिक करते ही देखो इतने सारे ऑप्शन खुल गए। तो ये ऑप्शनों से होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन, तो इससे क्या होता है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर दो दो बार टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगी स्क्रीन, और दो बार फिर से टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी स्क्रीन। इसको ऑन करने से ये होता है, पर मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रो NO2 ओपन कैमरा, ये जो बीच में मैंने ओ बोला है, ये ओ क्यों बोला है मैं बताता हूँ, ये ओ है नहीं, मैं इसको बताता हूँ। आप जब इसे ऑन कर देंगे और जब आपकी फ़ोन की स्क्रीन जो है ऑफ रहेगी, बंद रहेगा मोबाइल, तो आपको जैसे कैमरा ओपन करना है तो आप स्क्रीन में सिंपली पर ओ अपना उंगली ऐसी ओ बनाना, उंगली से स्क्रीन पर बंद स्क्रीन पर अपनी उंगली से ओ बनाना, तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। इससे यू होता है, मैं इसको बंद रखता हूँ, आप चाहें से ऑन कर लेना। और इस पर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है ड्रो AV2 टर्न टॉर्च ऑन ऑफ और ऑफ। आप जब अपनी स्क्रीन पर वी बनाएंगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, और फिर से वी बनाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। अब चौथे नंबर पे आता है म्यूजिक कंट्रोल, जब आप जैसे आप स्क्रीन शॉट लेते हैं तीन उंगलियों से, उसी प्रकार से आप जब दो उंगली अपनी स्क्रीन पर ऐसी फेरेंगे तो म्यूजिक बजने लगेगा, जब फिर से फेरेंगे तो ऑफ हो जाएगा म्यूजिक। ठीक है, और नीचे आना है। अब जब सारे जी अब जब जी ओ वाला ऑप्शन आप ऑन करेंगे तो आप ऊपर से ऐसी उल्टी भी बनाएंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा, साइड से आप करेंगे तो आपका FM रेडियो खुल जाएगा, और साइड से डाउन करेंगे तो आपका कंपास खुल जाएगा। ठीक है, साइड से लेफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या खुलेगा, एडिट खुल जाएगा, एक्शन एडिट खुल जाएगा। जब साइड से राइट करेंगे तो आपका कैलेंडर खुल जाएगा, जब साइड आप ड्रॉ M बनाएंगे अपने स्क्रीन पर तो प्ले स्टोर खुलेगा,
डब्लू करेंगे तो आपका रिकॉर्डर खुल जाएगा। ये सारे ऑप्शन अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो बहुत ही कम इनको ऑन करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं सारे ऑन करके रखता हूँ। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आते ही इसको थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। नीचे आऊँगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो OTG कनेक्शन। इससे क्या होता है, जब आप OTG अपने फ़ोन में लगाते हैं तो कोई कोई तो OTG कनेक्ट ही नहीं कर पाता भाई। तो इससे होता क्या है, तो आप इसको ऑन कर देना, जब आप अपनी OTG इस फ़ोन में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, समझ रहे। इससे ये होता है, लेकिन ये 10 मिनट ही कनेक्ट रहेगी, 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगी, फिर से आपको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ इट नॉट यूज्ड फॉर 10 मिनट, ठीक है। बताता हूँ अब, बैक गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आप अपने फ़ोन का पावर बटन जब 1-2 सेकंड तक प्रेस करते रहेंगे तो आपका गूगल जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने गूगल जब ऑन हो जाएगा तो आप गूगल से जो चाहे वो करा सकते हैं अपने फ़ोन में। किसी को फ़ोन लगाना है, कोई भी एप्लीकेशन खुलवाना है तो वो खोल देगा बिना फ़ोन को ओपन किए, केवल आपको बोलना है मुँह से। जैसे कि मान लो कि मुझे यूट्यूब चलाना है तो मैं अपना पावर बटन 2 सेकंड तक प्रेस करूंगा, 2 सेकंड के बाद मेरा गूगल खुल जाएगा। गूगल खुलते ही मैं बोलूंगा, हे गूगल मेरा यूट्यूब चालू कर दो, तो वो क्या है, सीधा यूट्यूब चालू कर देगी मेरे फ़ोन का, समझ रहे। अगर मैं बोलूंगा, हे गूगल मेरा व्हाट्सएप चालू कर दो, या फेसबुक चालू कर दो, या ट्विटर चालू कर दो, कुछ भी चालू कर दो, या किसी को कॉल लगा दो, समझ रहे, तो वो उसको कॉल लगा देगी या मेरा कोई भी अन्य एप्लीकेशन भी चालू कर देगी गूगल से, अगर आप इस गूगल को ऑन रखते हैं। और यहाँ पर लिख रहा है बैकअप एंड रीसेट। आप यहाँ से अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, बैकअप मार सकते हैं, कुछ मंगाना चाहते हैं तो बैकअप रीसेट कर दीजिए, वापस आ जाएगा। मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आते ही हम आ गए हैं प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये मेरा ऐप लॉक, आप इससे किसी भी ऐप में लॉक डाल सकते हैं। हाइड ऐप, आप किसी भी ऐप को अपना हाइड कर सकते हैं, आपके सिवाय से कोई नहीं देख पाएगा। और प्राइवेट सेफ में क्या होता है, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, आपकी वीडियो है या कोई फ़ोटो है या कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी है, तो प्राइवेट सेफ में आप इसे डाल सकते हैं, आपके सिवाय से कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। बैक आ जाता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन, यहाँ से क्या होता है, आप अपने फ़ोन में रिंगटोन लगा सकते हैं, ठीक है। साउंड ये देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप साउंड रख सकते हैं अपने कीबोर्ड का। नोटिफिकेशन का ये आ रहा है, मेरे ये वाला लगा हुआ है साउंड, ठीक है। आप चाहें कोई कुछ कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे वाइब्रेट ऑन रिंग, वाइब्रेट ऑन साइलेंट, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, मेरे दोनों लगे हुए। यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आते हैं, यहाँ से आप अपने फ़ोन में लॉक डाल सकते हैं और अन ऐपों में लॉक डाल सकते हैं, ठीक है ना। इस ये है पर्सनली सेटिंग्स, ठीक है। मुझे पहले ही बताया था, मैंने इंग्लिश कम पढ़नी आती है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है यही, आपको सीधी इसी में जाना है। इसी में जाते ही आप कुछ इस प्रकार से इंटरनेशनल फेस नज़र आएगा। तो इससे क्या होता है, जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर से आप किसी भी, आप वॉलपेपर से आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या किसी और का फ़ोटो लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और थीम्स में जो होता है, फ़ोन में जो थीम्स दिए गए होते हैं ना, केवल आप वही लगा सकते हैं। ये आइकन पे आइए, आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आइकन खुल जाएंगे। तो इनसे क्या होता है, आप आइकन छोटे बड़े चौकोर गोल, मतलब कैसे भी अपने साइज में कर सकते हैं, ठीक है। इनसे आप ये देखो बढ़ा सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, मतलब जैसे आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। यहाँ से आप शो ऐप नेम, आप यहाँ से नेम को बढ़ा सकते हैं, ऐप के नेम जो होते हैं यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन मैं इसको छोटा ही रखता हूँ, मतलब बड़ा नहीं रखता हूँ, इस पर रखता हूँ बस। इस जो लिखा हुआ शो नेम
सो ऐप नेम इसको हम ऐसा कर देंगे, तो ऐप में जो नेम होता है फेसबुक का नाम फेसबुक नीचे लिखा आता है, इसको बंद करने से वो लिखा नहीं आएगा, इसको ऑन कर दो फिर लिख के आने लगेगा, आने लगा। हाँ ऐसा ही होता है। अब सेकंड इस थर्ड फोर्थ वाले में आप लोग देख सकते हैं, इस वाले में क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, आप नेटवर्क शो कर रहे हैं, गोल रखना है, चौकोर रखना है, मतलब आपको जैसा भी रखना है वैसा आप, नोटिफिकेशन बार को वैसा आप रख सकते हैं, स्क्वायर रखना चाहते हैं या विंडो रखना चाहते हैं, है? कैसा रखना है आपको, आपके ऊपर करता है निर्भर। मैं तो इस प्रकार से रखता हूँ, आपको जैसा रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, आपको किस प्रकार का कलर चाहिए, नीला, पीला, हरीला, गुलाबी, ठीक है, कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से फोन चूज कर सकते हैं, आप अपने फोन का लिंक पे। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको सारा कुछ ओप्पो A53 के फीचर जो है मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है, आप लोग चाहें तो आप कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बढ़िया आसानी से फ़ोन आपका बंद रहेगा, आसानी से आप इसको फ़ोन को चला सकते हैं बिना बंद किए, बंद फ़ोन ऑफ रहेगा फ़ोन चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, मैं तो देखो जो काम के मेरे होते हैं वो तो मैं करके रखता हूँ अपने फ़ोन में, और आप लोग ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके कुछ काम के फ्यूचर्स में हों आए हों तो आपको दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, अपने फ़ोन में वो ऑन कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, हम ऐसे नए ऐसे, तो चलिए गाइस मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके आप तक। तो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस जब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।